SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन लाइव। सिवान में ठनका गिरने से एक की मौत, बाइक सवार राहगीरों पर गिरी बिजली, अधेड़ की गई जान, दूसरा गंभीर तौर पर जख्मी। सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के शूरवीर गांव के चवर के समीप मंगलवार की शाम करीब 6 बजे बाइक सवार दो राहगीरों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से एक अधेड़ की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद पीड़ित दोनों बाइक सवार को आनन फानन में सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए बगैर ही उसके शव को लेकर अपने घर चले गए। सिवान में ठनका गिरने से एक की मौत, बाइक सवार राहगीरों पर गिरी बिजली, अधेड़ की गई जान, दूसरा गंभीर तौर पर जख्मी। सिवान 14 घंटे पहले सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के शूरवीर गांव के चवर के समीप मंगलवार की शाम करीब 6 बजे बाइक सवार दो राहगीरों के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से एक अधेड़ की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद पीड़ित दोनों बाइक सवारों को आनन फानन में सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए बगैर ही उसके शव को लेकर अपने घर चले गए। हादसे में मृतक की पहचान छपरा जिले के डोरीगंज निवासी स्वर्गीय राम सूरत प्रसाद का 55 वर्षीय पुत्र बीरबल शाह के रूप में हुई है, जबकि गंभीर रूप से झुलस चुके बाइक सवार पीड़ित की पहचान डोरीगंज निवासी 24 वर्षीय नीरज कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बीरबल शाह अपने परिवार के लोगों के साथ शूरवीर गांव में किसी संबंधी के यहां आया हुआ था। परिवार के अन्य सदस्य कार में थे, जबकि वह अपने भतीजे नीरज कुमार के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान शूरवीर चवर के समीप तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली उसके ऊपर गिर गया। घटना के बाद बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि जब घटना घटित हुई, बाइक के पीछे पीछे चल रहे कार में सवार अन्य परिवार के लोग मौके पर गंभीर रूप से घायल दोनों बाइक सवारों को लेकर सिवान सदर अस्पताल पहुंचे, जहां अधेड़ बीरबल शाह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजन उसे पोस्टमार्टम कराए बगैर ही अपने साथ लेकर चले गए, जबकि बाइक चालक नीरज कुमार की इलाज सिवान शहर के किसी निजी क्लिनिक में चल रही है। गौरतलब है कि सिवान में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जल जमाव की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। शहर की दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।